Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony LIV app डाउनलोड करें. Sony LIV. We live to entertain. क्या हुआ यहाँ पे? सुना है बैंक में कुछ गुंडे घुस गए. बैंक में? ये तो वही बैंक हमने वॉल्ट से पूछा था. बैंक के मैनेजर ने तो कहा था कि वॉल्ट नहीं, दस बैंक के झूठ नहीं बोला. कौन तो बुलाओ. क्या हुआ है? कितने लुटेरे हैं अंदर? सर चार लुटेरे हैं, चारों ने मास्क पहन रखा है. गॉड. और कितने लोग हैं अंदर? कितने लोग हैं? सर वो तो पता नहीं सर, लेकिन सर अच्छा हुआ कि बैंक अभी अभी खुला है. मैं 10 मिनट लेट हो गया, नहीं तो मैं भी अभी अंदर फंस चुका होता. मतलब अंदर एम्प्लॉइज है जी. और सर वो कैश 3rd फ्लोर में है सर, लुटेरे वहीं होंगे. अच्छा सब लोग अच्छा पीछे पीछे जल्दी ये रास्ता तो बंद है. आप लोग बताते क्यों नहीं कि आपको क्या चाहिए? बता देंगे. अभी बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ. अभी देखिए आप लोग को पैसे चाहिए ना, जो चाहिए ले जाइए, पर किसी पर गोली मत चलाना. देखो अगर तुम लोग चुपचाप बैठोगे तो किसी को कुछ नहीं होगा. चलो बैठ जाओ शांति से. कैसे बैठ जाओ शांति से? मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरा पति है. चुपचाप बैठिए, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे. हमें छोड़ दीजिए. सुनो तुम सब, हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते. जैसा कहते हैं वैसा करो, किसी को कुछ नहीं होगा. आपको क्या लगता है इस जुर्म में दुश्मन देश का हाथ हो सकता है? देखिए अभी कुछ बता नहीं सकते, फिलहाल हमारा ध्यान इन मासूम जिंदगियों को बचाने में लगा हुआ है. प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए. 1 घंटा हो चुका है उन बेचारों को वहाँ फंसे हुए. आप लोग अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं, कैसे बचाएंगे आप? हम लोग गन लेकर उन मुजरिमों पर अटैक कर दें? अगर शूटआउट में किसी मासूम की जान चली गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे? मासूमों को गोली लगने की फिक्र है या फिर आपको डर लगता है गोली खाने से? डर नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी से उसी दिन मिट जाता है जब हम लोग CID की शपथ लेते हैं, समझे? गोलियों से डरते नहीं हम लोग, गोलियां खाई हैं हमने. जब सुबह घर से बाहर निकलते तो मालूम नहीं रहता कि जिंदा वापस जाएंगे कि नहीं. अनाप शनाप बातें किए जा रहे हैं आप लोग. नहीं नहीं बोलने दो मुझे. तो फिर आप लोग अब तक अंदर क्यों नहीं गए? अब तक यहीं पर क्यों हैं? मासूमों की जान क्यों नहीं बचाई आप लोगों ने? देखिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है. विवेक सर, जरा मैप निकालो यहाँ. देखो ये मैन हो कहाँ पे है? ये सर, ये टनल अंदर, ये बैंक के नीचे जा रही है. अगर सर इंजीनियर तो कह रहा था कि ये ड्रेनेज सिस्टम बंद है. बंद है तो क्या हुआ, रास्ता तो है, यहीं से बैंक जाएंगे हम लोग. सर GPS बता रहा है कि बैंक किस तरफ है. किस तरफ? हाँ
जीपीएस के हिसाब से हम ठीक बैंक के नीचे। बैंक के नीचे? हाँ सर। सर ये मैनहोल नंबर 15 है। नक्शे के हिसाब से ये एग्जैक्टली बैंक के बेसमेंट में खुलेगा। वेरी गुड, चल चलते। काफी टाइम से बंद पड़ी है, ये आवाज कहां से आ गई? नमस्कार, मैं मलिक। एक मजेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक रहस्य से पर्दा उठेगा, सच्चाई पता चलेगी। भविष्य जानने की इच्छा मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी। ज्योतिष एक शास्त्र है जिसके जरिए हम अपना भविष्य जान सकते हैं। कुछ लोग यकीन करते हैं और कुछ नहीं, मगर सच क्या है ये बताने के लिए हमारे बीच आ रही हैं मशहूर ज्योतिष मिस तानिया। प्लीज वेलकम। हेलो मले। हेलो, प्लीज आइए। श्योर। तानिया जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ज्योतिष मेरे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है, प्लीज आप हमें बताइए कि आप भविष्य कैसे बताते हैं। हम सब इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, हमारी सोच पर, हमारे हर एक डिसीजन पर इन सितारों का प्रभाव होता है। अच्छा, तो इन सितारों से हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। बिल्कुल, जैसे इन सितारों का रास्ता तय है वैसे ही हमारी किस्मत। इन सितारों को देखकर मैं किसी भी आदमी का भविष्य जान सकती हूँ। तो हमारी किस्मत तय है, हम इसे बदल नहीं सकते। सुनकर थोड़ा डर लगता है। बिल्कुल, मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं आपके इस यकीन को परखना चाहूंगा। आप अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत दें, जैसे कि आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ बातें बताएं। ठीक है, मगर ऐसी कुछ बातें जिससे हम सबको ज्योतिष पर यकीन आ जाए। ठीक है, आप अपना हाथ दिखाइए। इंटरव्यू के लिए मान गए और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हो, विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या हम सीआईडी वाले इतने खड़ूस लगते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ विवेक, परेशान लग रहे हो? कैमरा और लाइट्स को देखकर नर्वस तो नहीं हो रहे? जी हाँ, ये कैमरा और लाइट्स थोड़ा नर्वस कर रहे हैं मुझे। ओके, ठीक है विवेक, नो प्रॉब्लम। हम इंटरव्यू से पहले एक रिहर्सल कर लेते हैं ताकि तुम्हें कैमरा और लाइट्स की आदत हो जाए। जी, शुक्रिया। अब विवेक, ये बताओ कि तुम सीआईडी में कब आए? ये कोई हो गए होंगे 5-6 साल। अच्छा, तो कैसी होती है सीआईडी ऑफिसर्स की जिंदगी? थोड़ी मुश्किल है पर बहुत ही दिलचस्प। विवेक, अब एसीपी अभिजीत और दया सर जैसे सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करने के बारे में कुछ बताइए ना हमें। देखिए, उनके साथ काम करना बहुत बड़ी बात है, एक परिवार के जैसे रखते हैं सबको। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ, और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वेरी नाइस।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।